सबसे पहले ये जो माइक मैंने मंगाया है इसका कुछ मैं ज़्यादा यूज कर नहीं पाया, बट अभी जैसे हम लाइक कुछ इस तरीके से हाथों में आएगा। ये मंगवाया था जो किचन, तो किचन ये है, ये सबसे काफी प्यारा किचन है। माता की पार्वती पिता। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग होती है और काफी दिन से व्लॉग नहीं आता, बट आज स्टार्ट करते हैं। तो और मैं आज आपको आगे व्लॉग में कंटिन्यू करता हूँ, आगे बताता हूँ क्या क्या करने वाले हैं आज, ठीक है। जो मेन रीजन था कि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि जो मेरा माइक है वो खराब हो गया था। खराब मतलब उसका जो आगे का अडैप्टर था ना, वो कहीं खो गया था। मैं गया था वीडियो बनाने, ठीक है, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था लास्ट 10 डेज से, ठीक है। बट मैंने अभी माइक बुक किया था और मैंने एक नया माइक मंगाया है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। अभी मैंने इसको कल शाम को आया था, मैंने इसको अभी ओपन भी नहीं किया, तो अभी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, कैसे है, सब कुछ है, और फिर आपको वीडियो में आगे बताते हैं और इसका रिव्यू सब। और सबसे पहले ये जो माइक है मैंने मंगाया है कैमट्रॉनिक्स मुंबई से, और जहाँ पर ये माइक पड़ रहा था 8000 का फ्लिपकार्ट अमेजोन से, बट मुझे वहाँ पर 6200 का पड़ा, तो इसलिए मैंने वहाँ से इसको परचेज कर लिया। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस, इससे पहले मैंने ये मंगवाया था गिम्बल डिजिटेक का, और इसी का ही मेरे पास ट्राइपॉड है, ठीक है। तो इसका मैंने बनाया था वीडियो वैसे, ठीक है, और मैंने इसका भी कुछ खासा मैं यूज कर नहीं पाया हूँ, इसका कुछ मैं ज़्यादा यूज कर नहीं पाया हूँ, बट अभी जैसे हम शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं स्पोर्ट्स वाली, तो वहाँ पर मैं गिम्बल और माइक का यूज करूँगा, ठीक है। और मैंने माइक इसलिए मंगवाया, अभी तो मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा, मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता था ना उसमें मेरे पास सिंगल माइक, तो जैसे मुझे बोलना एक आदमी और जिसको डायलॉग बोलना है, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि आवाज़ उसकी नहीं आती थी, मेरी आती थी, ठीक है। बट अब मैं क्या करूँगा कि वो माइक एक उसको लगा दूंगा, एक मेरे लग जाएगा, तो हम इजीली जो कन्वर्सेशन है वो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने ड्यूअल वाला माइक मंगाया है, ठीक है। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो एक वो बता दूँ, मतलब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तब मैंने यूट्यूब पर मतलब मेरे पास माइक ही नहीं था, ठीक है। जब मैंने 2020 के समथिंग स्टार्ट किया था, तो मेरे पास माइक नहीं था। मैंने स्टार्टिंग का जो मेरी 10 से 15 वीडियो है वो बिना माइक की है, ठीक है। बट उसके बाद मैंने एक वायरलेस माइक लिया, मतलब बहुत सारे माइक लिए ऐसे, स्टार्टिंग वायरलेस वायर के साथ वाला माइक लिया, ठीक है। अब वो बाई डिफॉल्ट में आवाज़ आती थी क्योंकि मेरे पास था आईफोन, ठीक है। तो आईफोन वाला जो केबल, जो आईफोन की पिन आती है, वाले मिलते ही नहीं थे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर मैंने वो लिया, थर्ड ईयर मतलब तीसरा जो साल है वो मैंने इस माइक, ये जो माइक है इससे चलाता रहा और मैं इस माइक को यूज़ करता रहा। बट अब 3 साल कंप्लीट हो, अब मेरा ये फोर्थ ईयर है यूट्यूब पे, जब मैंने ये जो ड्यूअल वाला माइक है, ये देखो, इसमें 2 रिसीवर 2 ट्रांसमीटर है और 1 रिसीवर है, ठीक है। अभी मैंने माइक 4th साल में लिया है, ठीक है। तो सब कुछ धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि आपने अभी स्टार्ट किया आपके पास वो चीज़ें आ जाएं, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। हो सके स्टार्टिंग में लगे, हो सके किसी को जल्दी मिल जाए, किसी को लेट, बट मुझे 4th साल लग गया, 4th साल है मेरा यूट्यूब पर, मुझे 4th साल में मुझे ये माइक मिला है, ठीक है। और ये सब ऐसा नहीं मैंने अपनी तरफ से लगाया, यूट्यूब से ही किया है, यूट्यूब के पैसों से लिया, ये सब मतलब आपके पैसों से ही लिया गया है, ठीक है। तो अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, बैन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये भी है, देखो, तो गाइस अब हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो इसको खोलते हैं, ये खुल गया हमारा नया माइक, और इसको ये लो, मैं ऐसे खोल रहा हूँ, ऐसे खोलेगा, ये खोल दिया। और इसके बाद ये आ गया भाई, इसका जो बॉक्स है, माइक का जो बॉक्स है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मुझे ऐसा कि लग रहा थोड़ा जैसे कि
यूज किया गया हुआ है या गंदा सा लग रहा है, ठीक है, बट हम इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। और ये इसकी बॉक्स है जिसमें वायर्स केबल्स बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आता है इसके अंदर ये कागज़ है जिनको आप पढ़ के देख सकते हो जिन्होंने नहीं यूज किया, ठीक है। उसके ऊपर मैं नया वीडियो बना दूंगा, बट इसके अंदर और क्या क्या है ये देखो, ये सुंदर सा कपड़ा दे रहा, ठीक है, ये रहा कपड़ा और इसके अंदर काफ़ी सारी केबल्स हैं और ये है माइक, ठीक है। तो अब इसको चला के इसकी टेस्टिंग करके मैं दिखाता हूँ। अभी जो आपको नॉइस आ रही है वो विदाउट माइक आ रही है, माइक के साथ कैसे आती है वो आपको दिखाऊंगा। तो गाइस मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इसकी वीडियो, ठीक है, और मैं इस समय माइक से बोल रहा हूँ, ठीक है, और कि किस तरीके से काम करता। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है ये इसका, ठीक है, और एक माइक ये रहा, एक मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसकी आवाज़ देखते हैं किस तरीके से आती है वीडियो में। और अब मैं चालू कर लिया इसका एको मोड, तो एको मोड में कैसी आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो उसको चेक करते हैं और इसकी थोड़ी सी वॉइस भी बढ़ा देते हैं, जो इसका है, लो इसका भी वॉइस बढ़ा दिया। एको मोड में किस तरीके से आवाज आती है इसको चेक करते हैं। तो भाई भाई, 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 भाई बताइए आपकी आवाज कैसी आ रही है और इसको चेक करते हैं, ठीक है। मैं भाई मैंने कुछ इनसे मतलब डेमो भी लिया कि किस तरीके से करना, और साथ के साथ देखो इसमें ये भी फायदा है कि हम लैपटॉप से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका मैंने एको मोड भी यूज़ करा है और साथ के साथ मैंने इसका करा है जो नॉर्मल मोड होता है ना वो भी यूज़ किया है। और इसके साथ मिल गए हैं दो ये डाटा केबल्स, एक तो ये है ये एंड्रॉयड के लिए है और ये वाला है आईफोन के लिए, उसके बाद ये लैपटॉप के लिए है, ठीक है, ये वाला लैपटॉप के लिए है और बस और तो सब यहाँ ये वायरलेस ही ये माइक है। और मेन है इसका चार्जिंग वाला, ठीक है, उसके बाद बॉक्स में कुछ नहीं, और ये जो जिससे हमारी नॉइस कैंसिलेशन होती है उसके लिए ये दे रखा, और इसका एक प्यारा सा कवर दे रखा है, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट है। और उससे भी प्यारा एक ये है कि इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, इससे माइक भी बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई हैं जिसका मैंने आपको बता दिया, आप भी लेना चाहोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आप सबके ही प्यार सपोर्ट की वजह से लिया है। तो भाई जैसे कि मैं आया था विष्णु भाई के पास, और खासकर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर वॉलीबॉल प्लेयरों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो ये उंगली होती है यहाँ पे चोट लग जाती है, बट इनका गेम खेलते हुए नहीं लगा, लग गई है। तो इसको सही कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो इस पे खेल तो भाई कुछ इस तरीके से हाथों में आएगा, ठीक है, खेलने के लिए जैसा आप देखते ही हम खेलते हैं। ये मंगवाए थे दो की चैन जो कि अनरेटेड वॉलीबॉल वाला जो पेज है वहां से मंगवाए, ठीक है। एक तो की चैन ये है, देख सकते हो काफी प्यारा की चैन है, एक मिनट ये देखो आप, बोल जैसा किचन काफी अच्छा लग रहा है। दूसरा ये मोल्टन वॉलीबॉल वाला, ठीक है, काफी दोनों प्यारे किचन, थैंक यू कि आपने मेरे पास सब भेजे, ठीक है। अगर किसी को भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, तो आप पेज पे जाइए और इसको परचेज कर सकते हो। हम जा रहे हैं अभी खेलने के लिए, ठीक है, बज गया शाम के 6 और अभी हम निकलते हैं और वहां पहुंचते हैं, तो मैं अपने साथ पंप भी ले जाता हूं, ठीक है। और डेली हम खेलने जाते हैं और मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा काम रहता है जिसकी वजह से, बट वी आर कंटिन्यू। अरे कहाँ गए जूते, कहाँ जूते, माता सखी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, माता सखी पार्वती पिता महादेवा। गाइस हमने ऑल ओवर आपको जो माइक का रिव्यू था वो मैंने दिखाया, ठीक है। अब मैंने ऐसा तो पूरा आपको प्रॉपर नहीं दिखाया, बट आपको अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे जो मुझे माइक का रिव्यू लगा उसका नॉइस कैंसिलेशन अच्छा, और जो मुझे मीटर की प्रॉब्लम होती थी दूर जाके आगे पीछे घूम के या भग के वीडियो बनाने में,
तो वो भी अच्छा। तो सब कुछ जो आपके में नई नई वीडियोज आएंगे उसके अंदर आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो लगभग जो ये माइक है मुझे अभी बेस्ट लगा है, ठीक है। तो अपने गैजेट में एक और चीज ऐड हुई है, और हम जैसा मैं कहता हूँ आपको स्पोर्ट स्टोरी बना रहा हूँ, तो वो और हम अच्छी कर पाएंगे इस माइक के थ्रू, ठीक है। इसलिए मैंने ये ड्यूअल माइक लिया है, ठीक है। बट अब हमारा जैसे कि जो रात का प्रोग्राम होता है खेलने का, वो खेल के आ चुके हैं, और आज का जो व्लॉग है वो बस इतना ही, क्योंकि नया नया माइक आया तो मैंने ऑल ओवर आपको सब कुछ दिखा दिया है, ठीक है। और जो भी अपडेट रहेगी वो हम कल बताएंगे, ठीक है। इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।